अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन समहाउ इज़ द वॉइस ऑफ इंडियन मुस्लिम। तो ये गवर्नमेंट जब से पावर में आई, इसका मकसद यही है कि माइनॉरिटीज़ को कैसे हैम्पर किया जाए, बिकॉज दे फॉलो मनुस्मृति एंड इन मनुस्मृति देर इज़ नो प्लेस ऑफ माइनॉरिटी। हम पूरी तरीके से इस बात पे यकीन रखते हैं कि हम अपनी जात से पूरी कोशिश करेंगे, जहाँ भी मुसलमानों को ऑप्रेस्ड किया जाएगा उसके लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, जो जो भी ऑप्रेस्ड हैं, जिन जिन लोगों को हैम्पर किया जा रहा है, उन लोगों के लिए, उन लोगों के साथ, उन लोगों के फेवर में अपनी आवाज़ को बुलंद करें, चाहे वो किसी भी मज़हब की हो। किसी भी गवर्नमेंट में मुसलमानों के साथ अगर नाइंसाफ़ी होगी तो मैं वो पहला शख्स होऊंगा जो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करूंगा, चाहे वो कोई भी पार्टी। आई थिंक द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड क्लियरली दैट वी आर प्रोवाइडिंग दिस लैंड टू ऑन द बेसिस ऑफ आस्था, सो वी वर वेरी क्लियर ऑन दिस, एंड वट एवर फैक्ट was there, whatever Congress has done or whatever any other party has done, I am a very critical Muslim, so I think that whatever has done in Ayodhya, somehow the Muslim community is not satisfied with the decision. Johar University ko pura ek state ne ek propaganda ke through usko pura tod diya. Basically isme dekhiye bahut ek simple si cheez hai, अगर स्टेट को आज़म खां से प्रॉब्लम नहीं होती, या मैं ये कहूँ किसी मुस्लिम से परेशानी नहीं होती, उनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था उन्होंने एक अमाउंट उसमें खर्च किया जो कि पब्लिक का भी था और प्राइवेट भी था, तो अगर ये सरकार वाकई में डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ पे यकीन रखती तो उस इंस्टीट्यूट को तोड़ती नहीं, डैमेज नहीं करती। कोई भी अगर विजनरी गवर्नमेंट होती तो वो उसको अपने अंडर में ले सकती थी, उसको अपने अंडर में लेके उसमें लोगों को फ्रीली एजुकेट कर सकती थी, लेकिन उनका मकसद ये था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को उनको ख़त्म करना है। जब से ये गवर्नमेंट सेंटर में और स्टेट में काबिज़ हुए हैं तो दे हैव अ वेरी क्लियर मिशन दैट वी हैव टू टारगेट ऑल दी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, वी हैव टू टारगेट ऑल दी माइनॉरिटी नेम्ड सिटीज़, all the minority religious institution, either the Dalit temples, either the Gurudwara, so they have very clear mission or vision that we have to target on minorities. So many times they have attacked on Aligarh Muslim University, as we have seen on 15th of December 2019. It is necessary that we should talk on the minority issues which were hampering from last 7 years. It is essential because somehow minority is very important chunk of any democracy. If any minority is somehow oppressed from last few years, then that country will not grow. So I think zaruri hai baat karna, aur agar hum apni baat kare pichle 7 saalon mein musalsal humne ye baat mehsoos kari ki Rahul Gandhi ji, प्रियंका गांधी जी मुसलसल उस बात पे बात कर रहे हैं, जैसे कि जब त्रिपुरा में एक मास लेवल पे जेनोसाइड प्लान हो रहा था, उस वक्त में कोई भी सियासी पार्टी उसे बात करने को तैयार नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने उससे बात करी और ये बात कही कि जो मुसलमानों का कत्लेआम वहाँ हो रहा है ये इस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ख़तरनाक है, वो सही नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें कि मॉब लिंचिंग पे, हमें सबको पता है कि लिंचिंग किसकी हो रही है, लिंचिंग मुसलमानों की हो रही है, उस पर अगर कोई पार्टी स्टैंड ले रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो पिछले 7 साल में जो कांग्रेस का वर्क रहा उन चीज़ों को देखते हुए, मुसलमानों की बात करना, दलितों की बात करना, इवन उस तबके की बात करना जो कि हैम्पर है, ऑप्रेस्ड है, उनकी बात करना, क्योंकि अगर आप इस बात को माइन्यूटली देखें तो हमारी पार्टी बहुत हद तक पिछले 7 सालों में उस चीज़ से बात कर रही है। दो तरह के लोगों को डिवाइड किया, एक वो लोग जो आइडिया ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखते हैं, और एक वो लोग जो पसंद करते हैं हेट को, जो पसंद करते हैं उन ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को जो डिवाइड एंड रूल में यकीन रखते हैं। उस मूवमेंट ने बहुत हद तक इस मुल्क को एक नई लीडरशिप देने की कोशिश करी, जैसे कि सदफ आपा, जिनको लखनऊ से कांग्रेस ने टिकट दिया है, या मैं अपनी बात कहूँ कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर यकीन किया,
या और भी ऐसे लोग हैं जो दूसरे स्टेट्स में हैं, जिनको अलग अलग विधानसभा में, बिहार इलेक्शन में, आप उसका कोलकाता वेस्ट बंगाल इलेक्शन में आप देख सकते हैं। तो CA मूवमेंट बेसिकली इन लोगों के लिए एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें इनको महसूस हुआ कि हम लोग पावर से जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा तबका, मेजॉरिटी जिसको मैं कहूँगा ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, वो एक साथ खड़े थे, चाहे वो किसी मज़हब को बिलोंग करते हों, हिंदू हों, आपका क्रिश्चियंस हों, आपका सिख हों और मुस्लिम्स हों, हर मज़हब के लोग एक तरफ खड़े थे जो आइडिया ऑफ इंडिया में यकीन रखते हैं। उन लोगों ने ये बात महसूस करी कि अगर हम लोग अब यूनाइटेडली खड़े नहीं हुए तो इस मुल्क में हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इस गवर्नमेंट ने, जो कि फैसिस्ट रिजीम है, इसने पूरी कोशिश इस बात की करी कि कैसे हम लोगों के अंदर डिफरेंसेस पैदा करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो डिफरेंसेस पैदा नहीं कर पाए। तो आप देखेंगे जो CA NRC में लोग निकले थे, जो एक्टिविज्म के शक्ल में निकले थे, ज़्यादातर वो यूथ थे और वो बहुत हद तक एक लीडरशिप दे रहे हैं जिससे कि इस गवर्नमेंट को परेशानी है, क्योंकि इस गवर्नमेंट को हमेशा से परेशानी रही है नौजवानों से, उन नौजवानों से जो कि अपने राइट्स की बात करते हैं, जो इनसे सवाल पूछते हैं। क्यों? क्योंकि इनको वो यूथ चाहिए जो मॉब लिंचिंग करता है, इनको वो यूथ चाहिए जो एक पर्टिकुलर नारा दे के लोगों का कत्ल करता है, इनको वो यूथ नहीं चाहिए, उस यूथ से इनको परेशानी है जो अपने राइट्स की डिमांड करता है। एंड दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ दोज यूथ हु आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट, व्हाई यू आर डूइंग दिस, व्हाट यू हैव डन इन दिस 5 ईयर। तो दे हैव अ प्रॉब्लम विद दैट यूथ, एंड ड्यूरिंग CA मूवमेंट यूथ हैज कम एंड डिफाइन द इंडियन पॉलिटिक्स इन न्यू डायरेक्शन। उनकी पिछले 5 साल की UP की आप पॉलिटिक्स को देखें तो उन्होंने कोई भी डेवलपमेंटल वर्क नहीं किया है, उन्होंने काम किया है सिर्फ कि मुगल सराय का नाम बदल के ये रख दें, अलीगढ़ का नाम बदल के इसको ये कर दें, अलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दें। मतलब जो हिस्ट्री में छेड़खानी करके, हिस्ट्री को चेंज करके और एक नैरेटिव हिंदुत्व का सेट करके, जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा कि एक राजस्थान में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी नहीं हैं। तो इसमें बहुत एक फ़र्क है, वो फ़र्क समझने की ज़रूरत है हर इंसान को। ये बेसिकली हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अभी जैसे कि हमने देखा कि इन्हीं के जो सिस्टर विंग्स हैं, उन्होंने हरिद्वार के अंदर धर्म संसद का ऑर्गेनाइजेशन किया, उसमें दे सेड दैट वी शुड टारगेट दैट वी हैव टू किल अराउंड 20 लाख मुस्लिम्स। सो ये बेसिकली ये काम कर रहे हैं कि एक फियर पॉलिटिक्स का काम कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के दिल में फियर कैसे पैदा किया जाए उस चीज़ से काम कर रहे हैं। इसी को लेके ये अलीगढ़ में आ रहे हैं 22-23 जनवरी को, जो अभी उनका कैंसिल होने के चांसेस हैं। तो इनका मेन मकसद ये है कि हमने कुछ काम किया नहीं, माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ नहीं किया, इवन मेजॉरिटीज़ के लिए कोई डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ नहीं लेके आए। आज यूपी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4 टाइम्स बढ़ गया है पिछले 5 साल के मुकाबले। आप यहाँ देखें जो MG NREGA की पॉलिसीज़ थी, मनरेगा की पॉलिसीज़ थी, उससे किसी को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है। इंदिरा आवास योजना में टोटल के टोटल बोगस घर लोगों को दिए जा रहे हैं, घर ही नहीं है, नाम है घर नहीं है। तो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जैसे बड़ा नारा दिया था पिछले 5 साल में सेंटर में भी और स्टेट में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप देखें हाथरस में क्या हुआ, ये कितनी बच्चियों के साथ रेप के वाक़े सामने आए हैं। एंड वी कैन सी द क्राइम रेट इज़ अबाउट 10 टाइम्स इंक्रीज इफ़ वी कंपेयर फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। सो किसी भी सेक्टर में ये गवर्नमेंट कामयाब नहीं हुई है, सिवाय इसके कि एक दे हैव क्रिएटेड अ गैप बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी आर कम्युनिकेटिंग टू एवरी सिटीजन दैट दिस गवर्नमेंट इज जस्ट क्रिएटिंग द गैप बिटवीन पीपल, दे आर समहाउ क्रिएटिंग द कम्यूनल इन्वायरमेंट बिटवीन अमंग रिलीजन्स। सो दे थिंक दैट their vote bank will increase if they communalize or polarize the elections.